So my name is Bhumi. I'm a student of Delhi University. I just came today to the mosque to just visit and explore new things. So on the gate, they don't stop me for my religion, but they stop me for my leg dress. I wear a crop top. They just ask me to wear a dupatta, but they haven't asked me my religion, my name. There's nothing related to my community. Do you feel comfortable in the mosque? Yeah, it's quite comfortable. People are quite cooperative too. Did any of the visitors ask you your religion? No, nothing like that. No one has questioned me for my name, for my religion. It's quite comfortable here. Okay, thank you very much. Thank you. Myself, Kajal Goyal. Study from DU. Become final year, pursuing. Then जहाँ मुझे तो मैंने एंट्री करी, किसी ने कुछ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ. देन आई एम ओनली घूमने आई हूँ मैं. किसी ने आपसे नाम पूछा आपका कि आप? जी नहीं, किसी ने कुछ नहीं. किसी ने आपका रिलीजन पूछा? नो, सिर्फ कुछ रिलीजन वगैरह किसी ने नहीं पूछा. और सिर्फ मैं यहाँ घूमने आई हूँ, दैट्स ऑल. सो व्हाट मोटिवेटेड यू टू कम टू जामा मस्जिद? नथिंग, ओनली फॉर घूमने. किसी ने आपके कपड़े के बारे में कुछ सवाल किया? जी नहीं. मेरा नाम है गजानन, बम्बई महाराष्ट्र से आया हूँ जामा मस्जिद देखने को. मेरे को कोई रोका नहीं, जात धर्म कोई पूछा नहीं, बस. आप अकेले या फैमिली के साथ आए? सब फैमिली आ रही है, बीवी वगैरह बच्चों के साथ. बहन है. किसी ने पूछा या कहा कि भाई आपकी बीवी जो है साड़ी पहने हुए तो एंटर घुस नहीं सकती? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है सर, थैंक यू. बोलिए. हाँ, ये तो हिस्टोरिकल प्लेस है हम लोग को, भारत का जो है, इंडिया का एक मतलब ऐतिहासिक जगह है, सबके लिए है. ये हम लोग ये सबका अपना मानते हैं, जैसे लाल किला है, ये है. तो यहाँ का तो कोई किसी के लिए रोक टोक नहीं है, सार्वजनिक है. आपका नाम क्या है और कहाँ से? अभिचल महाराज. हम लोग हरिद्वार से आए. कहाँ से? हरिद्वार से. सब वाराणसी में रहते हैं, हरिद्वार कुंभ मेला में. तीन लोगों बच्चे लोगों का हम भी कई बार आए, इसको ऊपर मीनार में चढ़े हैं, देखे है, जब बालक स्थिति में रहे तो भी आए. आप जब मस्जिद में आए तो आपसे किसी ने आपका नाम पूछा, धर्म पूछा? कुछ भी नहीं, सब ठीक है. किसी ने रोकने की कोशिश की? कुछ भी नहीं है, तो सब बराबर है. तो आपको क्या लगता है कि धार्मिक जगहों पर किसी को रोक टोक नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए. जैसे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, जैसे अपना पुराना समय हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर में हिंदू का ही उसमें एंट्री रहता था, मुस्लिम का नहीं. लेकिन वहाँ केस जब किए, जो उसका नाम है काशी विश्वनाथ, है ना, विशेष जो नाथ होता है, तो वो भगवान होता है, वह कोई भी जा सकते हैं, कोई भी इंसान के लिए वह अधिकार है. तो हाईकोर्ट से केस जीत गया तो वह हिंदू हो जाता है, मुस्लिम भी जाता है. और हमारा तो रामकृष्ण मिशन से हमारा वह मुस्लिम भाई लोग भी साधु थे. अच्छा, आप रामकृष्ण मिशन से? हाँ, हमारा मुसलमान हो, जैसे ठाकुर जी मुसलमान धर्म ग्रहण किए थे, आप लोगों को पता है, विवेकानंद जी का जो गुरु जी ठाकुर जी हैं, वो मुस्लिम धर्म ग्रहण करके नमाज पढ़े, वो देखा मुस्लिम धर्म में क्या है. फिर वो ईसाई धर्म ग्रहण किए तो वहाँ भी ईसाई का, बुद्ध धर्म, सारा धर्म का जो है उसमें मूल में क्या है उन्होंने देखे हैं. तो इसलिए हमारा वह हिंदू मुसलमान का भेद नहीं है. रामकृष्ण मिशन में कोई भी जा सकता है.